गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SSS AG कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी विल डिस्कस कल्टीवेशन ऑफ फनल, मींस सौंफ की खेती के बारे में आज अपने डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, बॉटनिकल नेम ऑफ फनल इज फॉइनिकुलम वल्गेर, फैमिली अम्बेली फेरी, इसको FPSC के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्रोमोसोम नंबर 2N इज इक्वल टू 22। नेक्स्ट अपने ओरिजिन की बात करते हैं, तो मेडिटेरियन रीजन या फिर साउथ यूरोप इसका ओरिजिन है। नेक्स्ट इसके यूज़ की बात करते हैं, अपनी सौंफ के बीजों का उपयोग अचार बनाने, सब्जी, सूप आदि बनाने में किया जाता है। सौंफ को डबल रोटी, पेस्ट्री और विभिन्न प्रकार के मिष्ठान के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। सौंफ का उपयोग मुंह के छालों व पेट की बीमारियों के लिए किया जाता है। इसके बीजों में 14 से 22% प्रोटीन पाया जाता है। सौंफ के बीजों में 0.7 से 0.12% वोलेटाइल ऑयल मीन्स वाष्पशील तेल पाया जाता है। नेक्स्ट अपने इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, इंडिया में कहाँ कहाँ मोस्टली इसको ग्रो किया जाता है। मुख्य रूप से सौंफ गुजरात तथा राजस्थान में उगाया जाता है। सौंफ उत्पादन में गुजरात का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्लाइमेट, सौंफ के लिए ठंडी तथा शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। सौंफ एक ठंडी जलवायु की फसल है। फूल आने व बीज बनने के टाइम बादल छाए रहने पर एफिड इंसेक्ट तथा ब्लाइट रोग अधिक लगता है। मींस जब मॉइस्चर ज़्यादा होता है एनवायरनमेंट में तो एफिड की प्रॉब्लम आ सकती है, इसके साथ ही ब्लाइट रोग भी इसको लगता है। सौंफ की खेती के लिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है। नेक्स्ट सोयल की बात करते हैं, अपनी जीवांश पदार्थ युक्त चूना युक्त दोमट, काली मृदा, दोमट मृदा हो या फिर काली मृदा सौंफ की खेती के लिए उपयुक्त होती है। मृदा में जल निकास की उचित सुविधा होनी चाहिए, मीन्स पानी नहीं रुकना चाहिए। नेक्स्ट है फील्ड प्रिपरेशन, तो सबसे पहले अपने एक गहरी गुड़ाई करते हैं, जुताई करते हैं। उसके बाद में 3 से 4 आवश्यकता अनुसार हल्की जुताई करके प्लैंकिंग कर देते हैं, मीन्स पाटा चलाकर सोयल को समतल कर देते हैं। अगर खेत में नमी की कमी हो तो अपने प्री सोविंग इरिगेशन या फिर प्लेवा करनी चाहिए, मीन्स बुआई से पहले इरिगेशन करनी चाहिए, फिर उसकी जुताई करके फिर सोविंग करनी चाहिए। नेक्स्ट है वराइटीज, तो UF 101 गुजरात सौंफ 1, RF 125, RF 143, RF 101, PF 35, कोयम्बटूर 1 इसकी इम्पोर्टेंट वराइटीज है। नेक्स्ट अपने मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की बात करते हैं, तो जो नाइट्रोजन है अपने फर्टिलाइजर, इसको अपने 3 टाइम देते हैं। फर्स्ट टाइम अपने फील्ड प्रिपरेशन के टाइम में, फिर सेकंड टाइम सोविंग के 30 दिन बाद, और थर्ड टाइम सोविंग के 50 दिन बाद अपने जो नाइट्रोजन है इसकी अपने टॉप ड्रेसिंग करते हैं। अपने मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की बात करें तो FYM 150 क्विंटल पर हेक्टेयर अपने सोविंग के टाइम जब अपने फील्ड प्रिपेयर करते हैं उस टाइम डालना चाहिए। फिर नाइट्रोजन 40 kg पर हेक्टेयर, फॉस्फोस 40 kg एंड पोटाश 40 kg पर हेक्टेयर फील्ड प्रिपरेशन के टाइम में सॉइल में मिक्स कर देना चाहिए। इसके अलावा फिर सेकंड जो टॉप ड्रेसिंग अपने नाइट्रोजन की करते हैं 20 किलोग्राम, उसके बाद में 50 दिन बाद फिर
20 किलोग्राम अपने नाइट्रोजन टॉप ड्रेसिंग करती हैं। तो नाइट्रोजन अपने 3 टाइम देते हैं, सोविंग के टाइम और 2 बार सोविंग के बाद में। नेक्स्ट अपने सोविंग टाइम की बात करते हैं, तो इसकी बुआई 2 टाइप से की जाती है। एक तो डायरेक्ट सोविंग की जाती है, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में बुआई कर देते हैं अपनी, अगर डायरेक्ट सोविंग करनी है। अगर ट्रांसप्लांटिंग करनी है अपने, तो जून जुलाई के मंथ में अपने पहले नर्सरी ग्रो करते हैं, उसके बाद में अगस्त से सितंबर मंथ में लगभग सीड सोविंग के 45 से 60 दिन बाद ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं। और ट्रांसप्लांटिंग इवनिंग के टाइम में करते हैं, जिससे अपने को सक्सेस रेट ज़्यादा प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट अपने सीड की बात करें, सीड रेट तो बाई डायरेक्ट सोविंग 10 to 12 kg पर हेक्टेयर सीड रेट रखना चाहिए। अगर आपने ट्रांसप्लांटिंग करनी है तो 3 to 4 kg पर हेक्टेयर सीड सफिशेंट रहता है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ सोविंग, तो फर्स्ट हो गया ब्रॉडकास्टिंग, अपने ब्रॉडकास्टिंग कर देते हैं सीड की, क्यारियां प्रिपेयर करके उसमें ब्रॉडकास्टिंग कर देते हैं। इस मेथड में अपने यील्ड जो है कम प्राप्त होती है। नेक्स्ट है सोविंग इन रोज, मीन्स कतारों में अपने सोविंग करते हैं। तो नर्सरी में बीज बोकर पौधे मीन्स पौध तैयार की जाती है, फिर जब पौधे तैयार हो जाते हैं तो अगस्त सितंबर मंथ में 60 x 45 cm की दूरी पर अपने ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं। नेक्स्ट इरिगेशन, तो सौंफ के पौधे लगाने अथवा बुआई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए, इसके बाद में दूसरी सिंचाई बुआई के 7 से 10 दिन बाद करनी चाहिए, या फिर प्रथम सिंचाई के 7 से 10 दिन बाद करनी चाहिए। इसके बाद आवश्यकता अनुसार 15 से 20 दिन के अंतर पर अपने को सिंचाई करनी चाहिए। नेक्स्ट है वीड मैनेजमेंट, रोपाई अथवा बुआई के 30 तथा 60 दिन बाद निराई गुड़ाई करनी चाहिए, मीन्स 2 निराई गुड़ाई करनी चाहिए, पहली 30 दिन बाद और दूसरी 60 दिन बाद। इसके अलावा 1 किलोग्राम पेंडीमेथालीन हर्बिसाइड आता है, एक प्रति हेक्टेयर की दर से 700 लीटर पानी में मिलाकर बुआई के 2 से 3 दिन बाद छिड़काव करना चाहिए। नेक्स्ट है अर्थिंग अप एंड स्टाकिंग, अर्थिंग अप मीन्स मिट्टी चढ़ाना, पौधे के साइड में मिट्टी चढ़ा देते हैं, और स्टाकिंग मीन्स सहारा देना। जब पौधे के ऊपर फ्लावरिंग वगैरह आती है और इसमें बीज बनते हैं, तो उस टाइम इसके ब्रांचेज के ऊपर वेट ज़्यादा हो जाता है, तो इस कारण इसको अपने सहारा देने की ज़रूरत पड़ती है। तो सौंफ के पौधे की बढ़वार लगभग 1 मीटर तक हो जाती है। इसके अतिरिक्त पौधों में शाखाएं भी काफ़ी विकसित हो जाती हैं। फूल आने पर सौंफ के गुच्छे का बार पौधे पर पड़ने लगता है तथा पौधे गिरने लगते हैं, क्योंकि वेट ज़्यादा बढ़ जाता है तो पौधे गिरने लग जाते हैं। इस क्षति से बचाने के लिए स्टाकिंग मीन्स सहारा देने की आवश्यकता होती है, और इसको सहारा दिया जाता है तथा नवंबर के अंत में टॉप ड्रेसिंग, नाइट्रोजन की अपनी टॉप ड्रेसिंग करती हैं। टॉप ड्रेसिंग के द्वारा नाइट्रोजन डालकर पौधे के चारों ओर 15 से 20 cm ऊंची मिट्टी की मेड़ बना देनी चाहिए, मीन्स एक मिट्टी जो पौधे कतार में लगे हुए हैं तो उसको दोनों ओर मिट्टी चढ़ा देते हैं, इसको अर्थिंग अप बोलते हैं अपनी। इंसेक्ट पेस्ट की बात करें तो सबसे पहले इसमें एफिड है, माइजस पर्सिका इसका साइंटिफिक नेम है। इसका प्रकोप बादल छाए रहने पर अधिक रहता है, मीन्स जब बादल छाए रहते हैं या नमी ज़्यादा होती है एयर में, उस टाइम यह इंसेक्ट ज़्यादा अटैक करता है। यह फूलों पत्तियों तथा मुलायम दानों का रस चूसता है, मीन्स सक द सैप फ्रॉम टेंडर पार्ट ऑफ द प्लांट, जिससे पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। इसके कंट्रोल के लिए अपने को मेलाथियन 50 EC के 0.03% के घोल का छिड़काव करना चाहिए, अथवा फॉस्फोमिडॉन 0.03% के घोल का
छिड़काव करना चाहिए। नेक्स्ट सेकंड जो इंसेक्ट है वो है माइट, तो यह भी पौधों के पत्तियों और फूलों से रस चूसता है। इसके कंट्रोल के लिए 0.02% इथियन 50 EC का छिड़काव करना चाहिए। नेक्स्ट अपने डिजीज की बात करते हैं, सबसे फर्स्ट है पाउडरी मिल्ड्यू। ये इरीसाइफी पॉलीगोनी के कारण होती है। ये एक फंगस है, इसे बुकने, खर्रा अथवा चूर्ण असीता के नाम से जानते हैं। मोस्टली पाउडरी मिल्ड्यू इसको कहते हैं। इस रोग के प्रकोप से पत्तियों, फूलों व कोमल दानों पर सफ़ेद चूर्ण बन जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल का निर्माण नहीं हो पाता है, मीन्स प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है तथा पौधे कमजोर हो जाते हैं। इसके कंट्रोल के लिए अपने को 20 से 25 केजी सल्फर डस्ट का यूज करना चाहिए या फिर 0.2% घुलनशील सल्फर का प्रयोग करते हैं, मीन्स इसका छिड़काव करते हैं, अथवा 0.1% कैराथेन का छिड़काव करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर इसे 15 दिन के बाद दोहराते हैं। नेक्स्ट है ब्लाइट, रेमुलेरिया फोइनिकुली। यह रोग भी जब लंबे टाइम तक अपने बादल छाए रहते हैं या नमी ज़्यादा होती है, तो इसके कारण पत्तियों के ऊपर ब्राउन कलर के धब्बे बन जाते हैं जो बाद में पूरे पौधे पर फैल जाते हैं। ये भी काफ़ी नुकसान पहुंचाती है पौधे को। इसके कंट्रोल के लिए 0.2% बाविस्टिन अथवा एंडोफिल M45 का स्प्रे करना चाहिए। इस घोल का छिड़काव अपने 10 से 14 दिन के बाद अंतर पर फिर दोहरा सकते हैं आवश्यकता अनुसार। नेक्स्ट है स्टेम और रूट रोट। राइजोक्टोनिया स्पीसी या फिर फ्यूजेरियम स्पीसीज के कारण होती है। ये जो सॉइल के पास वाला एरिया होता है प्लांट का, रूट और स्टेम का, वो गल जाता है। इस रोग के कारण जड़ तथा तना गलने लग जाते हैं। इसके कंट्रोल के लिए बाविस्टिन 2 ग्राम पर केजी सीड की दर से बीज को उपचारित करना चाहिए या फिर कैप्टान 0.2% से सॉइल की ड्रेंचिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट है अल्टरनेरिया ब्लाइट। अल्टरनेरिया स्पीसीज के कारण होता है। इसके कारण फूलों पर ब्राउन कलर के धब्बे बनने लगते हैं, बाद में फूलों को पूर्ण रूप से घेर लेते हैं, मीन्स पूरे पुष्पकर्म पर ये फैल जाता है। इसके कंट्रोल के लिए बाविस्टिन अथवा एंडोफिल M45 का स्प्रे करना चाहिए। इसे 10 से 14 दिन के अंतर पर आवश्यकता पड़ने पर दोहराना चाहिए। ये थी अपनी आज की क्रॉप सौंफ, और इसके अलावा मैंने आपको 3 प्रैक्टिकल पहले भेजे हुए हैं, वो अपने फाइल में बना लेना। अगर किसी के पास ना हो तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा मैं दोबारा अभी ग्रुप में डाल दूंगा, क्योंकि उसमें साइंटिफिक नेम वगैरह है, वेजिटेबल का क्लासिफिकेशन है, फैमिली है, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। तो इसलिए आप अपने प्रैक्टिकल में लिख लेना, इसके बाद में जब अपने कॉलेज वगैरह लगेगा तो अपने क्लास में सीड वगैरह की और वेजिटेबल की जो अपने वेजिटेबल्स अवेलेबल होगी उसकी अपनी आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे। तो ठीक है, थैंक यू।